देखिए राजीव जी, अगर हम बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें तो बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेट हैं इन दिनों। गए तो थे वहां मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर के, लेकिन लोगों ने वहां उनको 1857 की याद दिला दी, तो अब वो क्या करेंगे बेचारे। वो 62 की बात उनको याद आएगी, जबकि उस कांग्रेस पार्टी में उनका लंबा कार्यकाल बीता, उनके पिता उस पार्टी में रहे। और ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी है, 1962 में क्या हुआ था, नेहरू ने उसको स्वीकार किया और उस चुनौती से जूझने के लिए इस देश की सेना को मजबूत किया। और वहां से चली आइएगा तो इंदिरा गांधी का समय, राजीव गांधी का समय, जब देश की सैन्य शक्ति को इतना मजबूत करके चुनौती दे दी गई, पूरा जो भी पड़ोसी मुल्क हैं जो देश की तरफ उस आशंका से देखते थे या गलत नजरों से देखते थे, उनको वो पूरा सबक सिखा दिया गया, उनको समझा दिया गया। लेकिन ये जो पार्टी है जो राष्ट्रवाद के नारे के साथ आई, जिसने कहा कि देश की सीमाओं पर क्या हो रहा है, जो लगातार उन सवालों को उठाते थे कि साहब आप एक सेना पर सवाल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है कि कोई सैनिक अपनी अगर उस रोटी और दाल को दिखाता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है कि उसको खाने में क्या मिलता है। इस देश की जो सैन्य ताकत है उसका मुकाबला कोई पड़ोसी मुल्क नहीं कर सकता। लेकिन हमारी विदेश नीति और हमारी रक्षा नीति हमेशा से ये रही है कि हमने जो ताकत अर्जित की है वो आत्मरक्षा के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं। जी आज अगर राहुल गांधी पहुंचे हैं तो वो अपने परनाना को याद करते होंगे, और राजीव गांधी की जयंती है, ऑब्वियस है कि उन्होंने उनको याद किया आज, और उन्होंने वो तथ्य उजागर किया जिसको छिपाने की कोशिश लगातार नरेंद्र मोदी सरकार कर रही थी कि ना वहां कोई घुसा हुआ था, ना कोई घुसा हुआ है, ना कुछ होना है। आज उन्होंने वो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये क्या मुंह दिखाएगी मोदी सरकार लोगों के सामने कि असल स्थिति क्या है उस लद्दाख में, जिस पर आपने इतना पहरा बिठा रखा है। लोग वहां डेमोक्रेसी के लिए तरस रहे हैं। एक ये भी इशू है, वहां के लोगों की महंगाई और बेरोजगारी का जो सवाल है वो साहब इधर आता ही नहीं है, क्योंकि आपने तो उसको बाड़े में बंद कर रखा है और 370 के नाम पर आपने पूरा विभाजनकारी राजनीति की। ये सच उजागर हो रहा है, और इसलिए नरेंद्र मोदी की पूरी जो सरकार है और उसकी जो पूरी आइडियोलॉजी है वो प्रश्नांकित हो रही है लोगों की नजरों में। लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि इनका जो राष्ट्रवाद है वो कितना थोता है, कितना छद्म है और कितना झूठ पर आधारित है। केवल नारे भर लगा देने से आप राष्ट्रभक्त नहीं हो जाते। इस देश की जो सैन्य ताकत है वो सैनिक सीमा की अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप तो उनका इस्तेमाल राजनीति में करने से भी बाज नहीं आते। ये किसी सरकार ने इसके पहले नहीं किया होगा, चाहे इंदिरा गांधी रही हो या राजीव गांधी रहे हो या नेहरू जी रहे हो। और राहुल गांधी आज वहां पहुंच करके उन्हीं बातों को रेखांकित कर रहे हैं। देश में डेमोक्रेसी का सवाल, देश में सेना की स्वायत्तता का सवाल, देश में महंगाई और बेरोजगारी का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्ता में कौन आता जाता है। नेहरू जी ने 47 में भी कहा और 49 में भी दिल्ली के लाल किले से जिस बात को कहा था, और आगे अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी को रिपीट किया था कि सरकारें तो आती जाती हैं, ये देश रहता है, लोग रहते हैं, उसकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है बजाय कि सत्ता तंत्र या किसी व्यक्ति को उतना महत्वपूर्ण बनाना और उसे तानाशाह के रूप में स्थापित कर देना। आज की जो चिंता है वो चिंता है कि कैसे जो बुनियादी सवाल है उनको हल किया जाए और देश की सीमाओं को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। झूठ नहीं बोला जाए, झूठ बोल करके आप सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। राजीव जी, राहुल गांधी इस बात को एक्सपोज कर रहे जी बिल्कुल हैं। हमारे किसी साथी ने कहा कि जानकारी मिल रही है कि स्मृति ईरानी चुनाव नहीं लड़ेंगी। मुझे राजनारायण जी याद आ गए, हालांकि उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, वो अलग किस्म के व्यक्ति थे,
लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ जब दूसरी बार चुनाव लड़ने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जिसको एक बार हराया उसको 100 बार हराया, अब हम चुनाव नहीं लड़े। स्मृति ईरानी में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके। वो कहां जाएंगी, राज्यसभा से जाएंगी, क्या करेंगी, क्योंकि अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि जो चूड़ियां भेजती थी मनमोहन सिंह को महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर, वो अब चूड़ियां कहां गई हैं? उन्होंने साज श्रृंगार करना बंद कर दिया है या चूड़ियां रखनी बंद कर दी, क्या क्या किया है उन्होंने? या मोदी जी को उपहार में वो भेजने की उनकी हिम्मत नहीं है? क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न तो दोगुना हो गया है। मणिपुर में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ था, और जो कांग्रेसियों की अगर हम बात करें तो वो आजकल उनको सिलेंडर रानी कहते हैं, वो जो सिर पर रख करके चलती थी तब 350 का था शायद, आजकल 1100 का है। अब वो क्यों महंगाई पर बात नहीं करती? और अभी तो पूछ लिया था, मैं नाम नहीं लूंगा आज तक, कि वो स्वनाम धम्म पत्रकार हैं, कि टमाटर जब 200-300 रुपए प्रति केजी बिक रहा था तो कुछ असर तो पड़ा होगा। तो स्मृति जी ने याद दिला दिया कि अगर मैं पूछूं कि जेल गए थे तो कैसा लगेगा आपको, अब ये चल रहा है। और इतनी बौखलाई हुई वो है, ठीक सिंधिया की तरह ही। परेशानी यही है कि अब अमेठी हाथ से ही नहीं निकल रही है, इज्जत भी हाथ से निकल रही है। और जो ऑरा बनाया था स्मृति ईरानी ने कि हर मुद्दे पर राहुल गांधी को खींचना, वो बराबर हमले करती थी राहुल गांधी पर। उन्होंने एक बार मायावती पर भी हमला किया था, ये दलितों को बखूबी याद है, वो भी राहुल रोहित बेमुला के मुद्दे पर। वो स्मृति ईरानी किस दिशा से भागेंगी और किस गली से भागेंगी, ये अमेठी के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि वहां जो सर्वे आए हैं अभी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम जिताएंगे, वैसे बीजेपी के हैं लेकिन यहां तो राहुल गांधी को जिताएंगे। तो अब वो तय करें कि उनको क्या करना है, गुजरात जाना है या राज्यसभा से जाना है। हालात उनके तो समझ में आ रहे हैं, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन है पूरी, और उस पर वो चल भी रही है। मुझे तो अब थोड़ा सा दया आने लगी है उनके प्रति, और सिंधिया जैसे लोगों के प्रति थोड़ी सिंपैथी भी हो रही है कि आखिर वो बेचारे करें तो करें क्या। एक राहुल गांधी जो रोज टास्क देते हैं, और मोदी जी के लिए तो बड़ी मुश्किल है। अभी मैं सुप्रिया श्रीनेत का वो ट्वीट देख रहा था, और उन्होंने लिखा कि भक्तजनों मैंने सुना है कि अब मोदी जी भी जिद कर रहे हैं बाइक चलाने की, वो करेंगे क्या, जाएंगे क्या लद्दाख बाइक चला करके। हालात इतने पशुपेश वाले कर दिए हैं राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए, स्मृति ईरानी जी के लिए। मैं आज बड़ा जी पर जोर दे रहा हूं क्योंकि मेरी सिंपैथी हो रही है उनके प्रति। ये राहुल गांधी क्या करके मानेंगे, वो पूरा राजनीति का कल्चर बदल रहे हैं। और ये अच्छी, इस देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात। हम लोग एक साल के पहले जिस तरह से परेशान दिखते थे, बड़े चिंतित थे कि क्या होगा, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता है जो सिर्फ समर्थकों को पसंद करता है, जो आजकल भगवान हो गया है, महामानव हो गया है, उसको ये इल्म हो गया है, ये अंदर से उसकी आवाज आ रही है कि मैं तो भगवान हूं। तो अब भगवान ही भला करे इस देश का क्या होगा। और राहुल गांधी है कि वो रामेश्वर को बोल रहे हैं कि भाई मैं सर नहीं हूं, मेरा नाम राहुल है। अब मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो फोटो उनके फ्रेम में भी कोई दूसरा नहीं आ सकता, गृह मंत्री के बाद कोई तीसरा मंत्री भी नहीं आ सकता, आलम तो ये है, और रामेश्वर कहां से आएंगे? इतनी मुसीबत हो गई है उनके लिए, वो स्मृति ईरानी की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं थोड़ा उनके प्रति सिंपैथी व्यक्त कर रहा हूं। जी राजू जी, सिंपैथी व्यक्त कर रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसी सिंपैथी